नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। केरल के एर्नाकुलम में रविवार को एक कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके हुए। घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि 20 लोगों को घायल होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कलामसारी में स्थित इस कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 बजे के करीब यहूदी समुदाय के लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार 3 धमाके हुए। जेहोवाच विटनेस संस्थान के स्थानीय प्रवक्ता टीएस श्री कुमार ने कहा कि कन्वेंशन हॉल में 9:45 पर 3 धमाके हुए, फिर ख़त्म होने के कुछ ही सेकंड के अंदर धमाके हुए। पहला धमाका हॉल के बीचों बीच हुआ, कुछ सेकंड बाद हॉल के दोनों तरफ 2 और धमाके हुए। एर्नाकुलम में जहां धमाका हुआ है उसके आसपास अच्छी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। 2 दिन पहले एर्नाकुलम में हमास के समर्थन में एक रैली भी हुई थी। मौके पर आईबी और एनआईए की टीम पहुंची हुई है। धमाके के दौरान कन्वेंशन सेंटर में करीब 1000 लोग मौजूद थे। सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। धमाके की वजह सामने नहीं आई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने विस्फोट में घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज करने के लिए विभाग के अफसरों को निर्देश जारी किया है। एर्नाकुलम के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। मंत्री ने डॉक्टरों समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जो छुट्टी पर है तुरंत लौटने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कलामासेरी मेडिकल कॉलेज, एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल और कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।